बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी आज की नई वीडियो के साथ एसआर टेक एंड इन्फो की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज आपको वाईटी स्टूडियो की एक और खसूसियत बताऊँगा। जैसा कि पिछले कई दिनों से मैं आपको वाईटी स्टूडियो के मुख्तलिफ चीज़ों के सेटिंग्स के मुतालिक बता रहा हूँ, तो आप बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको साउंड चाहिए होता है, तो आपको नॉन कॉपीराइट साउंड नहीं मिलता। आपको बहुत से साउंड्स तो मिल जाते हैं मगर वो सारे कॉपीराइट वाले होते हैं, तो आपको फ़ौरन उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो नॉन कॉपीराइट स्ट्राइक वाले जो फ्री म्यूज़िक्स हैं वो आपको यूट्यूब ख़ुद प्रोवाइड करता है, आप वहाँ से ले सकते हैं और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं साउंड जहाँ पे आपने उनका लाइसेंस डालना होता है और यूट्यूब ने साथ ही उसका लाइसेंस जो है वो दिया होता है, आपने वो बस अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देना होता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिस वीडियो के नीचे लाइसेंस है वो आपने ज़रूर अपनी डिस्क्रिप्शन में डालना है, उसके बगैर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। कॉपीराइट स्ट्राइक एक यूट्यूब के लिए बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तीन ऑप्शंस होते हैं कॉपीराइट के, और अगर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो उसके बाद आपका जो चैनल है वो सस्पेंड होने का ख़तरा होता है। तो हम यहाँ से चलते हैं ओपरा की तरफ। यहाँ पे हम वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, दो दिन में यूट्यूब स्टूडियो की ऐप जो है 2000 के से ज़ायद लोगों ने जो है 2000 लोगों ने डाउनलोड की है। यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं एनालिटिक्स के मुतल्लिक, वीडियोस के मुतल्लिक, ये सब हम बता चुके हैं इससे पहले। आज हम आपको यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के मुतल्लिक बताएंगे कि ऑडियो लाइब्रेरी क्या है। तो आप यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं मोनेटाइजेशन के नीचे वाला जो ऑप्शन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो गई है। यहाँ से आप कोई भी साउंड आप यहाँ पे पहले चूज़ कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ये साथ ही इसका ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर फ्री टू यूज़ दिस सॉन्ग इन एनी ऑफ योर वीडियोज़, तो ये आप बग़ैर किसी लाइसेंस के, बग़ैर किसी चीज़ के आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने का आसान तरीका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ ही ये वाला ऑप्शन है इसे डाउनलोड करने का। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ये देखिए डाउनलोड 16 MB, तो ये 16 MB की फ़ाइल है। यहाँ से आप ये 7:11 मिनट का है, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर कोई म्यूज़िक सर्च भी करना चाहते हैं, कोई साउंड आपको पता है आप उसे सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये सर्च बार यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से आप इसे सर्च कर सकते हैं। और बाज़ और चीज़ें हैं। अब आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे इसने दूसरे ऑप्शन दिए हुए हैं, जेनर आपको कौन सा चाहिए, चिल्ड्रंस चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, क्लासिकल चाहिए, कंट्री एंड फोक चाहिए, डांस एंड इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, हिप हॉप एंड रैप, हॉलीडे, जैज एंड ब्लूज, पॉप, रॉक, इनमें से कोई चाहिए या आपको ऑल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मसलन आपको क्लासिकल चाहिए या डांस इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, तो आप डांस वाले पे क्लिक करेंगे। अब मूड, आप यहाँ से मूड भी देखिए, ये सारे यहाँ पे आ गए हैं, जो न्यू हैं वो न्यू के साथ न्यू लिखा हुआ आ रहा है। मूड आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, एंग्री वाला मूड, ब्राइट, काम, डार्क, ड्रामेटिक, फंकी, हैप्पी, इंस्परेशनल, रोमांटिक, सैड या ऑल मूड्स। तो जिस मोड में आपको चाहिए, मतलब यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ,
और यहाँ से देखिए जो है चेंज होते जा रहे हैं, जो जो मैं जो जो कैटेगरी चूज़ करता हूँ उसके मुताबिक ये जो साउंड्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। यहाँ से अब इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट में आप गिटार है, बेस है, ड्रम्स हैं, इलेक्ट्रिक गिटार है, ऑर्गन है, पियानो है, स्ट्रिंग्स है, और इसके अलावा ये बाकी भी हैं या ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। मैं मसलन यहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार नहीं बल्कि ऑर्गन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इनके पास एक ही है सिर्फ, तो यहाँ से मैं अब इलेक्ट्रिक गिटार पे क्लिक करता हूँ। ये इनके पास जितने इस कैटेगरी में साउंड्स हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। अब इससे अगली चीज़ क्या है, इससे अगली चीज़ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन अब आपने अगर वीडियो बनाई है 3 मिनट की, आपको 3 मिनट का चाहिए। अगर आपने 5 मिनट की वीडियो बनाई है, आपको 5 मिनट का चाहिए, इसे नीचे है 5 मिनट से ज़ायद भी है, तो आपको जोन से चाहिए। मसलन अगर मुझे यहाँ से 3 to 3:30 वाला चाहिए तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा। तो ये देखिए इनके पास सिर्फ एक ही अवेलेबल है, वो यहाँ पे आ गया। मुझे यहाँ से इससे ज़्यादा चाहिए, 4:30, तो 4:05 कर लेता हूँ। तो इस कैटेगरी में इनके पास नहीं है इसलिए उन्हें यहाँ पे बता दिया नहीं है। इलेक्ट्रिक गिटार के बजाय हम कोई और बेस कर लेते हैं। तो ये इनके पास है, इससे आगे एट्रीब्यूशन है। आपने यहाँ पे बताना है एट्रीब्यूशन ये होता है कि वही लाइसेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक है कि ऑल लाइसेंस या फिर एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड और एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड पे पहले मैं पहले क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसमें इनके पास कोई भी नहीं है, ऑल जेनर्स हम कर लेते हैं। कॉम की बजाय भी हम ऑल कर लेते हैं, बेस की बजाय भी हम ऑल कर लेते हैं, और टाइम हम इसका यही रहने देते हैं। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आ गया, यू आर फ्री टू यूज़ दिस सॉन्ग इन एनी ऑफ योर वीडियोज़ बट यू मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। ये आ गया नीचे कि आपने लाजमी जो है, ये जो अपनी ये नीचे चीज़ आ रही है, इस बंदे का नाम है एट्रीब्यूशन है, जिस बंदे ने साउंड बनाया हुआ है, ये आपने हर सूरत में इस वीडियो में, जो भी आप वीडियो जिस भी वीडियो में साउंड यूज़ करेंगे उस वीडियो के नीचे आपने ये वाला डिस्क्रिप्शन में ये डाल देना, ये लाइसेंस है। और इसके बाद अब आप अगर बगैर लाइसेंस के देखना चाहते हैं तो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, इस पे आप क्लिक करेंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद अब ये देखिए, आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू आर फ्री टू यूज़ दिस सॉन्ग इन एनी ऑफ योर वीडियोस। आप इसे आराम सुकून से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। अगर कोई भी आप किसी का भी सॉन्ग उठा के या किसी भी वीडियो से अगर आप कॉपी करते हैं, वहाँ से साउंड काट के लगाते हैं, तो आपको उसका कॉपीराइट आ जाएगा। आप जब तक उसका कॉपीराइट परचेज नहीं करते, बाय नहीं करते, लाइसेंस आप साथ नहीं लगाते अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो कॉपीराइट मस्ट आ जाएगा। इसलिए कॉपीराइट का बहुत ख्याल रखें। फ्री साउंड्स आपको यूट्यूब खुद मुहैया करता है, आप यहाँ से चूज़ करके साउंड्स अपनी वीडियोस में इन साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी कई वीडियोस में यहाँ से ही साउंड्स लेके यूज़ किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं साउंड। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको बात बता दूँ, इस साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, तो साउंड इफ़ेक्ट्स से भी आप यहाँ से कोई भी साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। साउंड इनके पास हैं, कैटेगरी आप यहाँ से कोई भी कर सकते हैं। ये देखिए इनके पास ये साउंड इफ़ेक्ट्स भी हैं।
तो आप यहाँ से कोई भी साउंड इफेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो साउंड इफेक्ट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कैटेगरी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, कार्टूनिक अगर आपको चाहिए कार्टूनिक कर लीजिए, इमरजेंसी चाहिए इमरजेंसी कर लीजिए। तो जो जिस किस्म की कैटेगरी के आपको स्पोर्ट्स के चाहिए तो आप स्पोर्ट्स यहाँ से करेंगे तो आपको वो वाले साउंड इफ़ेक्ट्स भी आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कैटेगरी इसकी चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी अगर लाइसेंस है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जिस वीडियो के साथ लाइसेंस, वो लाइसेंस लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो।